हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की थी। अब उसी के आगे और हम आइडेंटिटीज़ पढ़ा रहे थे। अब आइडेंटिटीज़ पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस आज लगवाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज़ के देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उनकी बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे दिया है, जैसे कल हमने एक सॉल्व कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है x प्लस फोर एंड x प्लस टेन। अब ये एक तरीके से देखा जाए इसकी आइडेंटिटी है, बट आप लगाना चाहो वो आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी थी? x प्लस ए और x प्लस बी। ये मैंने बताई नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हो इसको, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, आएगा वही। तो आप इसको इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस टेन इंटू एक्स प्लस 4 इंटू टेन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 14। तो ये इसका सोल्यूशन है। और इसके क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए, जैसे फोर्थ इसका क्वेश्चन गिवन है आपको, वाई स्क्वायर प्लस 3y2 और वाई स्क्वायर माइनस 3y2। कल हमने फार्मूला बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a ये है प्लस b ये है, a माइनस बी ये है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ जो होगा उसका स्क्वायर होगा, मतलब y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक। प्लस प्लस b है और यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो माइनस लगाएंगे, b का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे तो y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब और इसके क्वेश्चन देखते हैं सिंपल तरीके से। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, 103 प्लस इंटू 107, जैसे दिया है, ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट फाइव पार्ट है, 103 इंटू 107। तो इसमें यही फार्मूला आप लगाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7। तो ये a हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया, a आपका कितना है 3, x कितना है 100, b कितना है 7। तो यही फार्मूला लग जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 100, 100 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, प्लस ये आ जाएगा 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 1,000 प्लस 21, तो कितना आ गया 1, 2, यह आ जाएगा 0, 1, 1, 11,021, ये आपका आंसर। इसको इस तरीके से सॉल्व करना, इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, इसमें आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ही सॉल्व करना है। और आइडेंटिटीज़ देखते हैं, जैसे आपको दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये दिया, ये आपको दिया है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन।
अब इसको आइडेंटिटीज़ बनानी, तो 9 हमको पता है किसका स्क्वायर होता है, 3x का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। अब ये एक तरीके से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है आपकी। इसी आइडेंटिटी में इसको चेंज करना, तो a की जगह पे कितना है 3x स्क्वायर प्लस, अब ये 2 लाना है तो 6 में से 2 ले लो, 2 ले लिया, बचा कितना 3x, तो 3x बचा, और क्या बचा, y बचा, तो y लिख लिया प्लस y का स्क्वायर। b की जगह पर y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी b की जगह पर कितना जाएगा, ये ए बी होगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका a था तो यहाँ भी a था, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x है, यहाँ आपका b था तो यहाँ b आया, यहाँ आपका y था तो यहाँ y आ गया, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। मतलब a प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना है y का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इस पर डिपेंड एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे दिया है, इसी का थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और y तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही आप बना देंगे इसको। तो a प्लस बी मतलब x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10, तो ये आ जाएगा। ये आपका इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तो 2 वेरिएबल वाले थे, अब 3 वेरिएबल वाले देखते हैं किस तरीके से हम करें, 3 वेरिएबल के क्वेश्चन देखते हैं। थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन, ये 4 का आपका सेकेंड पार्ट हम कर रहे थे। जैसे आपको क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये ठीक है, इतना आएगा। ये फार्मूला आपका होता है, यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो साइन है वो उसके साथ में, वो साइन हम लेंगे। कहने का मतलब, इसको अगर ओपन करें तो क्या आएगा, इसी के फॉर्म में 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब y आपका यहाँ माइनस का है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर यहाँ कितना है 2x, तो लेंगे क्या 2x, और y की जगह पर क्या है माइनस का y प्लस 2y आपका माइनस का और z प्लस 2z और x आपका क्या है 2x, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4xy, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का, ठीक है, और ये भी आपका क्या आएगा माइनस का 2yz और प्लस 4xz, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, जो साइन जिसके साथ में होगा वो लेके चलेंगे। यहाँ y हमने लिखा तो यहाँ भी माइनस हमने लगाया, जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने माइनस ही लगाया, तो जहाँ जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे आप माइनस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे और भी बढ़ते हैं,
जैसे क्यूबिक वाले देखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमको दिया है सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम ये वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे, वो आपकी बुक में गिवन है, आप उनको करिएगा। नहीं लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x + 1 का होल क्यूब, होल क्यूब दिया है, तो होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। होल क्यूब का हमने फार्मूला क्या बताया था, a क्यूब, मतलब जैसे दिया हो a + b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x³ + 1³ + 3 × 2x × 1 और ब्रैकेट में यही ब्रैकेट आ जाएगा 2x + 1, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करो तो ये 8x³ आ जाएगा प्लस 1 आएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो प्लस का 12x और ये x² हो जाएगा, x² ये 6 बन जा, तो प्लस का 6x, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको सही से लिख लो तो आ जाएगा 8x³ + 12x² + 6x + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और इसके आगे इस पे डिपेंड क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे क्यूब का एक क्वेश्चन और दिया, क्यूब का एक क्वेश्चन दिया है, जैसे दे रहा है 99 की पावर होल क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इसी फॉर्म में दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल क्यूब, ठीक। तो इसको ओपन कर लो, तो 100 का क्यूब -1 का क्यूब - 3, 100 × 1 और 100 - 1, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। -1 करेंगे और -99 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 × 3, ठीक, ये आएगा और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। क्यूबिक वाला भी आपका हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी आपको हमने क्यूबिक की और लिखवाई थी, वो अप्लाई करके देखते हैं। क्यूबिक की एक और क्वेश्चन इसका लगवाते हैं। जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, x + y + z = 0, शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये आपको गिवन, ठीक है। तो इसमें आपको एक फार्मूला पता है क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसकी आइडेंटिटी हमने लिखवाई थी। वो क्या होता है, x + y + z और x² + y² + z² - xy - yz - zx,
ये आइडेंटिटीज़ थी। अब इसमें आपको ये एक्स वाई जेड जीरो दे रहा है, जब यहाँ जीरो रखेंगे इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जब जीरो से मल्टीप्लाई तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, जब ये जीरो आ जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और थ्री एक्स वाई उधर भेजेंगे तो इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये आपका शो होगा। इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, क्या करना है, यही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड दिया है और इसके आगे आपको कुछ वैल्यूज़ दे रहा है, देखते हैं। एक्स वाई जेड दिया है, इसके आगे क्या दिया है, इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ये हमको बताना है दोनों बराबर है। तो इसका तो फार्मूला हमको पता है क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये होगा, ठीक है। इसका फार्मूला माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ये हमारा क्या है, ये LHS था, ये किसका हमने ओपन किया है, LHS इस पार्ट का। अब RHS का देखते हैं, RHS देखें क्या यही आता है। RHS में हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, ओपन ओपन करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके क्या यही आता है। अगर यही आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो 1 बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओपन करो इसको तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का टू जेड एक्स, ये आए, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जस्ट डबल, एक्स हमारे टू हैं, वाई भी हमारे टू हैं और जेड भी हमारे टू हैं, ठीक। और इनमें भी टू 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 दिया है तो टू तो कॉमन आ रहा है, तो वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब टू कॉमन ले लेंगे तो जब टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें से भी टू कॉमन आया तो माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का क्या हो जाएगा, ये जेड एक्स, ठीक, ये बन गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब देखें तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ रहा है, क्यों, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक। तो ये वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो जाएगा, ये वेरीफाई है। अब इस पे डिपेंड आपके बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। जो नहीं लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, हम उसको क्वेश्चन को यहाँ पे बताएंगे कि कैसे लगेंगे, ठीक है, उनका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।